स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 बहुत ही इजी है, मेनली आप लेक्चर 3 तक काफी कुछ कर चुके हैं। अब हम लेक्चर नंबर 4 में देखिए क्या करते हैं, वेंट हॉफ लॉज करेंगे फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत इजी, आपने जो गैस लॉज पढ़े हैं प्लस 1 में स्टेट्स ऑफ मैटर में, सेम गैस लॉज एप्लीकेबल है किस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह हम ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको आने चाहिए। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम कैप्ट कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर की जगह हमने क्या रख दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी याद करिए, एन बाय वी आरटी सीआरटी। तो हमने भी वही किया, पाई को क्या ले लिया, पी को क्या ले लिया, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। कंसंट्रेशन वही है सेम, आर को हमने डिफरेंशिएट करने के लिए एस ले लिया, बट वैल्यूज आर सेम एज दैट ऑफ आर, ठीक है। कई बुक्स में आर भी दिया होता है, कई बुक्स में एस भी दिया होता है, कई बुक्स में ऑस्मोटिक प्रेशर को पी डैश करके दिया होता है। तो आप समझ जाना ये अपनी डिनोशन है, आप जैसे भी कर सकते। तो वही चीज आ गई, पी बी इक्वल टू एन आर टी, पाई बी इक्वल टू एन एस टी। नेक्स्ट इज डेल्टन लॉ। डेल्टन लॉ क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑस्मोटिक पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस अगर होगा तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर ए प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर बी कंपोनेंट। फॉर्मूला लगा देंगे, एन आर, आर की जगह एस ले लिया, टी ओवर टोटल वॉल्यूम वी ए प्लस वी बी, सेम हियर, सेम हियर, एम बी आर की जगह एस लिया, टी बाय टोटल वॉल्यूम एलसीएम ले लेंगे, वी ए प्लस वी बी, एस एस टी, एन ए और एन बी, एस टी कॉमन आ गया, एन ए प्लस एन बी रह गया। तो ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कुछ नहीं है, आपको वही फॉर्मूलाज को, गैस लॉज के फॉर्मूलाज को पाई की टर्म्स में, ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके बताया गया। देखिए बच्चे, हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं कंडीशंस फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में, ठीक है, एक्यूरेटली, तो हमें थ्री कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। जो सॉल्यूट है ना वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब जब हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट में तो ना ही उसमें एसोसिएशन होगी ना ही उसमें डिसोसिएशन होगी। एक और पॉइंट नोट करने वाले हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जा सकता है, मतलब चेक किया जा सकता है,
टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, आई मीन टू से किसी भी टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर चेक किया जा सकता है कि क्या है। नेक्स्ट, अब डिफरेंस हम चेक करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में, टू सॉल्यूशंस के मिक्सचर को हम डिफ्यूजन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है, मतलब डिफ्यूजन जब होगी तो कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होगी, लेकिन जब भी ऑस्मोसिस होगी तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज मस्ट। नेक्स्ट, इन दिस बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव, सॉल्वेंट भी मूव कर रहे हैं और सॉल्यूट पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। यहां पे क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ऑस्मोसिस में। एक बार अगर हमने मिक्स कर दी तो स्टॉप नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे स्टॉप भी हो सकता है और रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे मैंने पहले भी बताया था भी पॉसिबल हो सकते हैं। लिक्विड्स और गैसेस दोनों में कॉमन है डिफ्यूजन, लेकिन सिर्फ लिक्विड्स में ही कॉमन रहेगी, ऑस्मोसिस पॉसिबल हो पाएगी। नेक्स्ट, इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर। दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में, लेकिन ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली मूव फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, ऑपोजिट होगी, यहां पे हायर टू लोअर है, यहां पे लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब ये दोनों के डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर पे जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटॉमिक कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइपोटॉमिक, और सॉल्यूशन हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या कहलाता है, हाइपरटॉमिक। याद रहे, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो हाइपरटॉमिक, लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो हाइपोटॉमिक, ठीक है। प्लांट सेल्स में अगर हम प्लेस करें हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन को, हाइपोटॉनिक मतलब जिसमें लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो सेल क्या करेंगे, स्वेल कर जाएंगे, मतलब लिक्विड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा सेल के, और सेल स्वेल कर जाएगा, बिगर साइज का हो जाएगा। अगर हम प्लांट सेल को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं जिसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो सेल श्रिंक कर जाएंगे और अल्टीमेटली कोलैप्स भी कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सेल में सॉल्वेंट मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बात क्लियर होती है। नेक्स्ट इज व्हेन हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, जब हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन सेपरेट किया जाता है फ्रॉम हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, मैंने बता दिया हाइपोटॉनिक और हाइपरटॉनिक क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, तो ऑस्मोसिस जो टेक प्लेस करेगी वो हाइपोटॉनिक टू हाइपरटॉनिक में टेक प्लेस करेगी, और इस प्रोसेस को प्लास्मोलिसिस कहेंगे। आई रिपीट, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन को अगर हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के साथ सेपरेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो ऑस्मोसिस है वो हाइपोटॉनिक टू हाइपरटॉनिक मूव करेगी, और उस प्रोसेस को प्लास्मोलिसिस कहा गया। एक बात और, आइसोटॉनिक और आइसो ऑस्मोसिस क्या होता है, आइसो ऑस्मोटिक क्या होता है, ठीक है। वो सॉल्यूशंस जिनमें
सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसे हम आइसोटॉनिक और आइसो ऑस्मोटिक कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रीफ आउट किया कि किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में हम किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंट्रावीनस ड्रिप ऑफ सलाइन वाटर, बच्चे देखिए आपको सबको पता है जब कंडीशंस किसी भी पेशेंट की थोड़ा क्रिटिकल हो जाती है तो ड्रिप दी जाती है। अब ड्रिप में कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है ये बताने लगा हूं, बड़े ध्यान से समझना। 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज आइसोटॉनिक टू ह्यूमन ब्लड, मतलब 0.91% सॉल्यूशन होना चाहिए NaCl का एग्जैक्टली। ठीक है, वो आइसोटॉनिक टू ह्यूमन ब्लड होती है, मतलब इन दिस सॉल्यूशन रेड ब्लड सेल्स RBCs जिसे कहते हैं नाइदर स्वेल्स ना और श्रिंक्स। अब अगर NaCl की कंसंट्रेशन लेस देन 0.91% होगी तो ये बच्चे हाइपोटॉनिक टू ब्लड हो जाते हैं, मतलब RBCs स्वेल कर जाएंगे, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी और रेड ब्लड सेल्स क्या कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। यही अगर NaCl की कंसंट्रेशन मोर देन 0.91% होगी तो ये हाइपरटॉनिक टू ब्लड होगा, मींस RBCs रेड ब्लड सेल्स श्रिंक कर जाएंगे। इट मींस आपका एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, ब्लड सेल्स के इनसाइड से सॉल्वेंट आउटसाइड चला जाएगा और रेड ब्लड सेल्स श्रिंक करने लग जाएंगे। ठीक है, तो RBCs को एग्जैक्टली मेंटेन रखने के लिए NaCl की कंसंट्रेशन एग्जैक्ट 0.91% होनी चाहिए, अदरवाइज कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे एबनॉर्मल मोलर मासेस। बच्चे हम जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने करी, सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करा, वो हर प्रॉपर्टी में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आया, रॉन्ग आया। ठीक है, अब उसको हम करेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनकरेक्ट आ रहे बच्चे हमारा। ठीक है, और इनकरेक्ट क्यों आ रहे हैं, मैंने आपको कंडीशंस बताई, कंडीशंस क्या थी, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सेकेंड, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन विल टेक प्लेस। देखिए एसोसिएशन का क्या मतलब है, अगर Na एटम्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदल जाए, जैसे कि एसिटिक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स लेके हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर बदल दें, क्या हो रहा है इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एसिटिक एसिड है ये भी एक एसिटिक एसिड है, दोनों में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर क्या होगी, एसोसिएशन। और अगर डिसोसिएशन हो जाए, जैसे कि ए बी आयनिक कंपाउंड ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में बदल जाए, जैसे कि KCl K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में बदल गया, तो हम ये कह सकते हैं अब आयन्स ज्यादा हो जाएंगे सॉल्यूशन में, यहां पे आयन्स मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे सॉल्यूशन में, तो ऑब्वियस है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट आएगा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आया तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पे भी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं थ्योरेटिकली वो एक्यूरेट नहीं आएगा, इनकरेक्ट आएगा। तो उसको हमने ओवरकम करने के लिए
इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए मोलर मास की हमने वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया बच्चे? वेंट हॉफ फैक्टर, आई जिसे कहते हैं, ठीक है। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होगा? नॉर्मल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैसे वैल्यू कैलकुलेट होगी? नॉर्मल मोलर मास, और ये तो नॉर्मल जो एक्चुअल मोलर मास है किसी भी कंपाउंड का, ओवर ऑब्जर्व, ऑब्जर्व जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आए वो ऑब्जर्व मोलर मास कहलाए, ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में ठीक है क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या आना चाहिए? मोर आना चाहिए, क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं बच्चे मॉलिक्यूल्स, तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन वन, तभी वो एक्यूरेटली पोजीशन कर पाएगा। अब डिसोसिएशन के केस में क्या होगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास लेस आएगा क्योंकि ये आयंस में बदल गए, ठीक है। और आई इज, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी देन वन, ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिनोमिनेटर अगर लेस होगा तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, और अगर मोर होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? लेस देन वन, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे पिक करिए, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, Kb into given mass over molar mass into 1000 over weight of solid. अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्टिवली देखोगे तो मोलर मास क्या आएगा? हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉलिड। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास, अगर आप ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो आई की क्या कह देंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑपोजिट हो गया। क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखें, सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलर मास की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमने वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर के आने से एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अब एक्यूरेटली आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आई की वैल्यू जज कैसे की जाएगी? ये हम नेक्स्ट पार्ट में अब करेंगे कि आई की वैल्यू कैसे जज करें किसी भी कंपाउंड के लिए। बच्चे, वेंट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो बच्चे देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट हुए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, ओवर कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस हम ले रहे हैं। तो देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, हाउ वी कैलकुलेट अल्फा, ठीक है, ताकि हम इजीली न्यूमेरिकल्स में अप्रोच कर सके। देखिए, मान लीजिए, लेट अस सपोज ए बी कोई कंपाउंड है, वो डिसोसिएट हो रहा है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन। इनिशियली अगर हम देखें तो वन होगा, ये क्या होगा? जीरो जीरो, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ डिसोसिएट होना, शुरू ही नहीं हुआ तो ये जीरो जीरो ही होगा। आफ्टर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन हो गई तो मान लीजिए वन माइनस अल्फा, अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो यही चीज कॉफिशियंट के मुताबिक क्या बनेगी? अल्फा अल्फा, है ना। अब एक बात समझिए कि हमें तो ये पता है कि ए बी कंपाउंड था तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव टू आयंस थे तो टू अल्फा बन गया। अगर सी,
अगर फर्दर और बहुत सारे आयंस होते या इनके सब कॉफिशियंट्स इन्वॉल्व होते तो हमारे को पता है अल्फाज बहुत सारे बन सकते थे। तो हमने सपोज कर लिया कि एम अल्फा आयंस यहाँ पे डिसोसिएट होके बने हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म कितने आयंस फॉर्म हो रहे, इधर तो 12 है क्योंकि 2 आयंस बन रही है, हो सकता है 3, 4, 5 कोई और भी आयन और ज्यादा भी आयंस बनते। तो हमने वो नंबर ऑफ आयंस को एम मान लिया, सपोज कर लिया, जनरलाइजेशन कर लिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 1 माइनस अल्फा प्लस इसको हमने क्या माना, कितने सारे आयंस हो सकते थे, तो एम अल्फा प्लस एम अल्फा। तो आई क्या होते हैं, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा ओवर नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, 1 नॉर्मल क्या लिया था, इनिशियली क्या लिया था, 1 लिया था। यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों में अल्फा कॉमन ले लेंगे, 1 उस साइड ले जाएंगे, अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, वो आई माइनस 1 ओवर एम माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए एम की वैल्यू आपको जैसे मैंने बताया कितने आयंस बनेंगे, ठीक है। अब कितने आयंस बनेंगे, जैसे KCl और NaCl कितने आयंस बने, 2 आयंस बने, तो M की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर देंगे, यहां पे कितने आयंस बन रहे हैं, 3 आयंस बन रहे हैं, तो M की वैल्यू यहां पे 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका अल्फा इजीली I की टर्म्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। देखिए अगेन डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अल्फा ले रहे हैं, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, ठीक है। कितने एसोसिएट हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ओवर कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस हमने लिए। तो देखिए एन ए क्या बन गया, ए इनिशियली 1 ले लिया, तो ये क्या होगा, 0, अभी इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा कुछ खत्म होगा, वही चीज बन जाएगी, याद रहे एसोसिएशन के केस में 2 अल्फा नहीं होता, अल्फा बाय एन होता है, जितने भी एन बने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, क्लियर। तो आई क्या हो जाएगा, observed number of moles of solute particles over number of moles of solute particles assuming no association, ठीक है। तो देखें observed क्या है, 1 minus alpha plus alpha by n है, observed over normal initially क्या लिया था, 1 लिया था, यहां से भी alpha calculate हो जाएगा, क्या आएगा, 1 minus I माइनस 1 ओवर 1 बाय एन माइनस 1। एन क्या है, ये एन, ठीक है। एन की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा और आई की टर्म्स में, आपका आंसर आ जाए। तो ये आप न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और इजीली अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाए।